हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइज, आज इस वीडियो में आप मेरे साथ क्रिएट करेंगे एक चेक डिस टूल जिसको आप एक क्लिक में रन कर पाएंगे। ये चेक डिस टूल आपकी हेल्प करेगा अगर सपोज आप प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिस्टम प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कभी कभी आपका सिस्टम फ्रीज हो रहा है या फिर आप किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो अननोन एरर आ रहा है। जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स आपके सिस्टम में नजर आ रहे हैं तो आप अपने सिस्टम की चेक डिस की यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेक डिस रन कीजिए तो आप सोचेंगे कि कैसे रन करूं, तो इसलिए मैं यहां पे आपको नोटपैड की हेल्प से आपके सिस्टम में जस्ट आप मेरे साथ यहां पे फॉलो करेंगे और एक टूल अपना खुद का क्रिएट करेंगे जिसको आप इस प्रॉब्लम में आप खुद ही रन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आपके सिस्टम में सिर्फ एक यूटिलिटी टूल होता है नोटपैड, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो आप उसको ओपन कर लेंगे। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया, मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूं, नोटपैड की डार्क थीम यूज कर रहा हूं इसलिए ब्लैक कलर में आ रहा है, इसलिए आप घबराएगा मत। आपके में व्हाइट आ रहा हो तो आपको सेम परफॉर्म करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। विंडोज 7, 8, 10, 11 कोई सा भी यूज कर रहे हो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टेक्निक रहेगी और सेम प्रॉब्लम में आपको इसका यूज लेना, ठीक है। तो यहां पे चलिए मैं आपको टूल बता देता हूं और बीच बीच में बताता भी रहूंगा। हालांकि चेक डिस्क जो टूल है वो आपके सिस्टम की यूटिलिटी टूल है जो आपके सिस्टम में ऑप्शन भी मिलता है आपको रन करने के लिए, और इस पर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है कि आपको किन किन कंडीशन में ये चेक डिस्क यूज लेना चाहिए, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज यहां पर टूल कैसे क्रिएट करना है वो सीखिए। यहां पे आप लिखेंगे इको ऑफ, @eco off लिखेंगे जिससे कि कमांड लाइन पे कुछ नजर ना आए, ठीक है, सिंपल। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं 3 लाइन में ही टूल क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ क्रिएट कर लीजिएगा और आप मुझे बाद में थैंक्स बोलेंगे कि सर टूल ने मेरी काफी हेल्प की, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, आप लिखेंगे इको देन स्पेस देन वाई, ठीक है। देन एक स्पेस देके आप यहाँ पे पाइप का यूज लेंगे या फिर आप इसे सेपरेटर भी बोल सकते हैं, इसका यूज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देन आगे आप चेक डिस्क कमांड का यूज लेंगे, चेक डिस्क डॉट exe टूल यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस टूल को डायरेक्टली ऐसा ही रन करेंगे और आगे कुछ भी पैरामीटर यूज नहीं लेंगे तो ये सिर्फ आपके हार्ड ड्राइव से स्टोरेज ड्राइव से सिर्फ फाइल्स को रीड करेगा, उनको रिपेयर नहीं करेगा। लेकिन हमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, सपोज हम अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं, फ्रीज हो रहा है, फाइल को एक्सेस कर रहे हैं रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, या फिर बहुत देर तक लोडिंग 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 हो रहा है या फिर एरर आ रहा है, दैट मीन कि हमारे सिस्टम में हार्ड ड्राइव की जो कुछ फाइल्स हैं, जो फाइल सिस्टम में फाइल्स हैं वो कुछ करप्ट हैं जिनको हमें उनको रिपेयर करना जरूरी है। तो चेक डिस्क आपका वो काम करता है, ठीक है, और वो कब काम करता है उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज लेने पड़ते हैं। तो चेक डिस्क के बाद आप एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी विंडोज किस ड्राइव में। काफी लोगों की विंडोज डी ड्राइव में भी होती है तो आप डी ड्राइव यहां पे लगाएंगे, अगर आपकी सी ड्राइव में है तो आप यहां पे सी ड्राइव लिखेंगे, सी कॉलन। मेनली जो प्रॉब्लम होगी वो आपके सी ड्राइव के साथ, यानी कि जिसमें विंडोज है उसी के साथ होगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम फाइल ज्यादातर उसी में होगी। लेकिन अगर आप किसी और ड्राइव पर भी चेक डिस्क रन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चेक डिस्क के साथ खास बात ये भी है, चाहे आप हार्ड ड्राइव यूज ले रहे हो चाहे आप SSD यूज ले रहे हो, दोनों पे यूज कर सकते हैं। डीफ्रेगमेंट में मैंने आपको बताया हुआ है कि हार्ड ड्राइव पे यूज कर सकते हैं, SSD में यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सी देन कॉलन देन स्पेस देके आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, देख पैरामीटर लेंगे यहाँ पे F, ठीक है। देन स्पेस देके एक और फॉरवर्ड स्लैश पैरामीटर लेंगे आप यहाँ पे R, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, F क्या करेगा, जितने भी एरर्स होंगे उनको फिक्स करेगा, आपके हार्ड ड्राइव के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करेगा, कौन, F, ठीक है। R क्या करेगा, कुछ फाइल्स ऐसे भी होंगी जो करप्ट हो गई हैं, ठीक है, जो लेकिन रीडेबल है, तो R उनको रिकवर करने की कोशिश करेगा अगर वो रीडेबल है, ठीक है, रिकवर करके रिपेयर करने की कोशिश करेगा अगर वो रीडेबल है, ठीक है। रीडेबल है तो रिपेयर हो जाएगी बहुत आसानी से चेक डिस्क की हेल्प से, और रिपेयर हो जाएगी तो हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। जब भी आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में और आप चेक डिस्क यूज करेंगे तो वहां पर आपकी जो सिस्टम फाइल्स हैं वो सभी काम में आ रही हैं, उस टाइम चेक डिस्क वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चेक डिस्क जब भी इन पैरामीटर्स के साथ आपके सिस्टम पे वर्क करेगा तो वो चाहेगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन है उसको लॉक करके फिर उस पर चेक डिस्क रन हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, चेक डिस्क चाहेगा कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें
और फिर ये कमांड रन हो। तो यहाँ पर हम बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से ये सिस्टम ऑटोमेट कर देते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगा इतना करके फिनिश कर दूंगा तो रीस्टार्ट आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट रीस्टार्ट पे ये ऑटोमेटिकली रन होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, आपको अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी रीस्टार्ट करें, ठीक है। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कमांड का यूज दे रहा हूँ, shutdown.exe लगा के स्पेस देख के /r यहाँ पे यूज दे रहा हूँ, ठीक है। /r का मतलब यही है कि मैं अपने सिस्टम को रिबूट करना चाहता हूँ, रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा तो वो सिर्फ शटडाउन होगा, ठीक है। देन इसके बाद कितने टाइम बाद के लिए, तो मैं यहाँ पे /t देन यहाँ पे 10 सेकंड बाद यहाँ पे रीस्टार्ट हो, तो इसलिए मैं 10 यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस कमांड का मतलब यही है, shutdown.exe/r means reboot means restart और कितने टाइम बाद उसके लिए t10 यहाँ पे हमने यूज ले लिया। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे echo y हमने क्या करा, echo का काम होता है प्रिंट करना, ठीक है, बैच स्क्रिप्ट में। तो जब हम checkdisk.exe और ये कमांड रन करेंगे तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट आता है कि आप checkdisk रन करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे echo से हम y प्रिंट करवा रहे हैं जिससे कि checkdisk हमारा रन हो, ठीक है। और कब रन होगा, और नेक्स्ट रीस्टार्ट पे होगा, और नेक्स्ट रीस्टार्ट कब होगा, 10 सेकंड बाद। और ये कमांड आप देखने के लिए पॉज कर सकते हैं और जस्ट इस फाइल को आप सेव कर देंगे, फाइल में जाके सेव एज डेस्कटॉप पे chkdsk.bat एक्सटेंशन से आप सेव कर देंगे। और सेव की मैंने फाइल, डेस्कटॉप पे आ गई है, ठीक है। ये कमांड जस्ट आपको यूज लेना है, ठीक है। अब जब भी आपको, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार इस checkdisk का यूज मुझे लेना कब है, जब भी आपके सिस्टम में आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, फ्रीज हो रहा है, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको शुरू में बताए, तब आप checkdisk कमांड का यूज लेंगे। और यकीन मानिए आप बाद में मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, जब भी आपके सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी और checkdisk आप यूज ले लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको रन कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा, आप इसको डायरेक्टली रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिस्टम यूटिलिटी है तो ये एज एडमिन ही रन होगा। तो आपको राइट क्लिक करके जस्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तभी ये नेक्स्ट स्टार्टअप पे checkdisk प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट ले सकता है, 2 से 3 मिनट भी ले सकता है, डिपेंड करेगा सिस्टम में कितनी फाइल है। तो मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, यहाँ पे यस आपको करना है और आप देख सकते हैं यू आर अबाउट टू साइन आउट लिखा गया है, दैट मीन मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होने वाला है। तो रीस्टार्ट होने पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन भी आता है, 10 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो checkdisk को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप ये टूल यूज करें, प्रॉब्लम फेस करें तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, कोई की अपने कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेंगे। फिर जो checkdisk है वो कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे रन होगा, आपके सामने इस तरीके से लिखा आएगा फिक्सिंग दिस ड्राइव, और उसकी कुछ स्टेजेस चलेंगे, ठीक है। तो वो स्टेजेस को आप रन होने देंगे पूरा 100% तक, जो सभी फाइल्स हैं उनको यहाँ पे स्कैन किया जा रहा है, और जो रिकवरेबल फाइल है जो करप्ट हो चुकी थी उनको यहां पे रिकवर किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को अब रन होने देंगे, जितना भी टाइम लगे, 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, तो आप इस टाइम को लगने देंगे। देन उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली फिक्स होके आपके सामने रीस्टार्ट होके आ जाएगा। तो गाइस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है वापस से, और यहाँ पे सिस्टम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है विद द हेल्प ऑफ checkdisk कमांड। और अब आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस checkdisk कमांड का जो टूल है आप इसको जरूर क्रिएट करें, और जब भी आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करें, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताएं, तब आप इसको जरूर रन करें। और इससे जो रिलेटेड वीडियोज हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उनको जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि किन कंडीशन में आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कब कब आपको उन प्रॉब्लम में क्या क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।